घर के दिन तेरे हवाले। इस तरह की हरकतें बहुत पसंद है ना, देख लो तुम्हारे साथ रह रहे कर मैं भी क्रेजी आइडियाज सीख गया हूँ। मेरे आइडियाज ना इससे भी ज्यादा क्रेजी होते हैं। लेकिन आज जो पुलिस स्टेशन वाला सीन हुआ है ना, वो बहुत खतरनाक था भाई। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या हुई? आशा साहब ने मुझे डांटा ही नहीं, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई ना इसलिए। ऐसे उम्मीद पाश अंकल के शुरू से इतने सख्त है? नहीं बाबा, हमेशा से ऐसे नहीं थे, ये बहुत लविंग और लाइवली थे। लेकिन बस मामा के जाने के बाद ना वो बदल गए बहुत ज्यादा। उन्होंने समीर को अपनी मुंह बोली बहन के पास कनाडा भेज दिया, मुझे चच्ची को सौंप दिया, और खुद बहुत मसरूफ हो गए। वैसे चच्ची ने ना हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन जैसे वो हया की चोट पर परेशान होकर तड़प जाती थी ना, वैसा मेरे लिए नहीं था। शरारती और बातूनी तो मैं हमेशा से थी, लेकिन बस अम्मी के जाने के बाद ना डांट बहुत पड़ती थी। अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना? हाँ, याद तो बहुत आती है। लेकिन पता है आगू जान ने, चाचू ने और हया ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि मुझे बिगाड़ दिया। अच्छा, तुम मुझे बिगाड़ रही हो? मैं आपको बिगाड़ नहीं रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें खुश रह के। लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो रोबोटिक वर्जन है ना, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और नॉर्मल इंसानों वाला सॉफ्टवेयर ना अपडेट करना पड़ेगा। जी नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, ठीक है? घड़ियाल तो है ना। पता है उम्मीद, इंसान पे वक्त से पहले ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाए ना, तो उसे वक्त की कदर करना आ ही जाती है। मेरी अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी और बाबा की डेथ हो गई थी, और उसके बाद तमाम बिजनेस की जिम्मेदारियां, हर चीज मेरे ऊपर आ गई थी। फिर मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और इस बिजनेस को भी संभाला। काफी मुश्किल हुआ होगा ना? हाँ, मुश्किल तो हुई थी। एक तो यंग एज, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो बता लोग शुरू में मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। फिर मैंने अपनी जिंदगी को बदला, अपने कुछ उसूल बनाए और आज इसलिए मैं ऐसा हूँ। घड़ियाल। लेकिन पता है मजे की बात क्या है, मैं पिछले 7 साल में इतना नहीं मुस्कुराया जितना तुम्हारे साथ मुस्कुराया हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। थैंक यू तो मुझे बोलना है आप। थैंक यू मेरी जिंदगी में सब कुछ फिक्स करने के लिए और मेरी लाइफ को बिल्कुल फेरी टेल जैसा बनाने के लिए।